नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं बिहार के मधुबनी जिला के फिर से कपिलेश्वर धाम में, जहां पर आज संडे है, रविवार है। आज का दिन बहुत ही खास दिन होता है इस मंदिर के लिए, और सोमवार का भी दिन खास रहता है। आज 23 दिसंबर 2018 है, इस साल का अंतिम महीना है, और साल का अंतिम जो दिन कह रहे हैं उससे सिर्फ 6 दिन पहले ही इस मंदिर में पहुँचा हूँ। और इस मंदिर में आने के बाद बहुत ही भव्य ये मंदिर है, जहाँ पर अति प्राचीन मंदिर बनाया गया है। मैंने पहले भी इसकी फोटो दिखाया हूँ। आइए हम देखते हैं किस तरह से महादेव को पूजा करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, कैसे जल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। सबसे पहले जो है, इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, जिससे कि लोगों को पता चले। शेयर व्हाट्सएप और फेसबुक पर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मधुबनी दरभंगा के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके मधुबनी के जो अति प्राचीन मंदिर सब है उसके बारे में लोगों को पता चल सके, विश्व के लोगों को पता चल सके। लोग यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में आए और इस मंदिर पर पूजा अर्चना करें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। जोर देवे तखन ने हैत, जोर देव पड़त ने। कैलाश तक आवाज महादेव है, अब तुम जो है ये है मंदिर का शुरुआती भाग, जहाँ पर भवानी माता जो मंदिर है, माता का मंदिर यहाँ पर है। और देख सकते हैं लगभग आज रविवार के दिन जो भीड़ है वो देखने लायक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग दूर दूर से आए हैं इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, और हम भी पहुंच चुके हैं आज रविवार के दिन। देख सकते हैं, ये मंदिर का विशेष कवरेज मैं दिखाने जा रहा हूं और आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कौन सा मंदिर का पूजा है, कौन से मंदिर में मैं गया हूँ और कहाँ कहाँ का ये पूरा कवरेज है, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे सभी लोगों तक पहुंच पाए। आइए हम दिखाते हैं कहां कहां कौन से भगवान हैं, कौन से देवी देवताओं का पूजा होता है और कितनी भीड़ है इस मंदिर में। आज के दिन जो इतना भीड़ है, ये हमेशा रहता है या आज का दिन कुछ खास है? आज के दिन रविवार है, पूर्णिमा की प्रातः काल है, पुण्यकाल की है प्रभाव, और पुण्यकाल की प्रभाव के कारण ये ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा भक्त आए हुए हैं जी। तो इस जगह का महत्व भी बता दें जरा। ये जगह की महत्व है,
यहाँ कपिल मुनि आए थे त्रेता युग में, जब सीता संवर हुई थी उस समय में कपिल मुनि आए थे और कपिल मुनि को यहाँ लवशंका लगा, और लवशंका लगा जैसे देखिए कुमारी गाय के स्तन से दूध गिर रही है वहाँ पे और दिव्य ज्योति जल रही है, और जैसे नज़दीक गए कपिल मुनि वैसे दिव्य ज्योति बन गई है और कुमारी गाय के स्तन से जो दूध गिर रही है वो जब नज़दीक गए हैं तो देखें कुमारी गाय विलीन हो गई है और दूध वही जगह पे नीचे में गिरी हुई है, और वहाँ जब पूरा निकालते हैं तो भोले बाबा कपिलेश्वरनाथ निकलते हैं। क्या नाम हुआ आपका पंडित जी? मेरा नाम हुआ पप्पू झा पंडा जी। चलिए धन्यवाद।